सोलो लेवलिंग एपिसोड 4। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अगर जेनबू डेली टास्क कंप्लीट नहीं करता है तब जेनबू को बहुत ही खतरनाक पेनल्टी मिलता है, और अगर जेनबू डेली टास्क कंप्लीट कर लेता है तब उसे पॉइंट मिलता है, साथ ही उसे गिफ्ट बॉक्स भी मिलता है। ऐसे ही गिफ्ट बॉक्स के अंदर जेनबू को मिलता है एक अनोखा सा चाबी, जिसकी मदद से जेनबू एक अलग तरीके की डेंजन ओपन करके उसके अंदर घुस जाता है। लेकिन जेनबू के अंदर घुसते ही बाहर निकलने के दरवाजा बंद हो जाता है, और इस डेंजन से बाहर निकलने की दो ही रास्ता है। एक है इस डेंजन के बॉस को मारो और बाहर निकल जाओ, दूसरा है टेलीपोर्टेशन स्टोन की मदद से बाहर निकलो। लेकिन जेनबू को टेलीपोर्टेशन स्टोन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, इसलिए जेनबू के पास अभी एक ही रास्ता है इस डेंजन के बॉस को मार के बाहर निकलने का। इसलिए जेनबू उस डेंजन के अंदर जाने लगता है। डेंजन के अंदर जेनबू 3 गोब्लिन से लड़ाई करके उन्हें मार डालता है। इसके बाद ही जेनबू के ऊपर हमला करता है एक खतरनाक सा भेड़िया मॉन्स्टर। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में जेनबू किसी तरीके से उस मॉन्स्टर के बार से बच रहा था, लेकिन तभी जेनबू को अपना शरीर काफी ज्यादा हल्का महसूस होता है। और इसके बाद जब भेड़िया फिर से जेनबू के ऊपर हमला करने आता है तब जेनबू उसे एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे भेड़िया दूर जाके गिरता है। लेकिन मुक्के की वजह से भेड़िया और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी जेनबू को इन्वेंटरी के बारे में याद आता है, और जेनबू इन्वेंटरी से एक तलवार निकालता है। इसके बाद मॉन्स्टर जैसे ही जेनबू के ऊपर हमला करने आता है, वैसे ही जेनबू अपने तलवार से उस मॉन्स्टर को बीच से काट देता है। भेड़िया को मारते ही जेनबू का लेवल बढ़ जाता है, और लेवल 2 होते ही जेनबू के चेहरे में लगी जख्म अपने आप हील हो जाता है। लेकिन इसके बाद ही और दो भेड़िया उस जगह जेनबू को मारने आते हैं, लेकिन जेनबू जैसे ही उनमें से एक भेड़िया को मार डालता है, वैसे ही दूसरा भेड़िया डर के उस जगह से भाग जाता है। और दो भेड़िया मॉन्स्टर्स को मारने से जेनबू को एक स्टोन मिलता है, जिसे सेल करके उसे 20 कॉइन मिलता है। तभी जो भेड़िया भाग गया था वो अपने ढेर सारे साथियों को बुला के लाता है, लेकिन इससे जेनबू का ही अच्छा हो जाता है। जेनबू एक एक करके भेड़ियों को मारते जाता है और उसका लेवल अप होता रहता है। 3, 4, 5 लास्ट में जेनबू को उल्फ एसोसिएशन का टाइटल मिलता है। दूसरी तरफ असली दुनिया में एक डेंजन में हलचल हो रहा था, वही हम जेनबू को देखते हैं, जिसने इतने सारे भेड़िया मॉन्स्टर को मारा, जिस वजह से उसका एबिलिटी पॉइंट 40% से बढ़ता है। साथ ही उसे ढेर सारे आइटम भी मिलता है, जिनमें से एक आइटम होता है टेलीपोर्टेशन स्टोन। दोस्तों, पिछले एपिसोड में जब जेनबू इस डेंजन के अंदर आया था तब उसके सामने की स्क्रीन में एक नोटिफिकेशन भी आया था कि इस डेंजन से निकलने के दो ही रास्ता है, एक है बॉस को मारो और दूसरा है टेलीपोर्टेशन स्टोन। तब तो जेनबू के पास टेलीपोर्टेशन स्टोन नहीं था, इसलिए जेनबू के पास एक ही रास्ता था, बॉस को मारो और बाहर निकल जाओ। लेकिन अभी जेनबू के पास टेलीपोर्टेशन स्टोन आ गया है, फिर भी जेनबू सोचता है कि इस डेंजन के मॉन्स्टर्स को मारने से मेरा लेवल अप हो रहा है, जिससे मैं पावरफुल बन रहा हूँ। तो अभी मुझे और ज्यादा पावरफुल बनना है और ज्यादा लेवल अप करना है, इसलिए मुझे बाहर नहीं जाना है। वही असली दुनिया में जूही को हंटर एसोसिएशन से कॉल आता है, जिसमें उसे डेंजन ब्रेक के बारे में पता चलता है। डेंजन ब्रेक मतलब किसी डेंजन से मॉन्स्टर असली दुनिया में आ गए हैं। यहाँ जेनबू डेंजन में गोरिल्ला मॉन्स्टर, पैंथर मॉन्स्टर और भी बहुत तरीके के मॉन्स्टर के साथ लड़ के लेवल अप करते रहता है। इसके बाद जेनबू मेट्रो स्टेशन के नीचे जाने लगता है। नीचे चारों तरफ सन्नाटा और मेट्रो लाइन में पूरा पानी भरा हुआ था। जेनबू सोच ही रहा था कि उसे इस जगह कौन सा और कितने पावरफुल मॉन्स्टर मिलेगा। तभी सन्नाटे को चीरते हुए एक बहुत ही बड़ा सा नीला कलर का जायंट स्नेक मॉन्स्टर जेनबू के ऊपर हमला कर देता है। यही इस डेंजन का बॉस मॉन्स्टर है, और इस स्नेक के एक ही बार से जेनबू का तलवार टूट जाता है। हालांकि इतने देर से अलग अलग मॉन्स्टर से लड़ते हुए जेनबू के इस तलवार में बहुत सारे क्रैक आ गए थे, लेकिन जेनबू अभी इस टूटा हुआ तलवार से ही उस स्नेक से लड़ने की कोशिश करता है। तभी जेनबू नोटिस करता है कि मॉन्स्टर का पूरा शरीर आर्मर से कवर्ड है, इसी वजह से जेनबू के बारों से उस मॉन्स्टर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन फिर भी जेनबू लगातार उस मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश करता है और उस मॉन्स्टर से पीटते रहता है। लेकिन तभी अचानक से जेनबू पुराने बातों को याद करके चिल्ला उठता है कि मैं
ताकतवर बनूंगा। तभी जेनबू की आंखें ग्लो करने लगता है और जेनबू मॉन्स्टर की गर्दन को पकड़ के इतने जोर से दबाता है कि उस मॉन्स्टर की आर्मर टूट के खून निकलने लग जाता है, जिस वजह से मॉन्स्टर मारा जाता है। स्नेक मॉन्स्टर को मारने के बाद जेनबू सोचता है कि आखिरकार मैं थोड़ा सा पावरफुल बन ही गया। साथ ही मॉन्स्टर को मारने से रिवर्ड के तौर पे उसे मॉन्स्टर के दांतों से बना एक तलवार मिलता है। इसके बाद ही जेनबू के पास एक नोटिफिकेशन आता है और ये मेट्रो स्टेशन भी नॉर्मल हो जाता है। जेनबू मेट्रो स्टेशन से निकल के देखता है कि बाहर कोई भी इंसान नहीं है। तभी एक ऑफिसर जेनबू के पास आता है और पहले सोचता है कि ये कोई नॉर्मल इंसान होगा, लेकिन बाद में जेनबू के पास तलवार देख के समझ जाता है कि ये एक हंटर है। जिसके बाद ऑफिसर जेनबू को डेंजन ब्रेक के बारे में बताता है। तब जेनबू अपने पावर को जगाता है और देखता है कि मॉन्स्टर किधर है। तब हम देखते हैं एक बड़ा सा मॉन्स्टर जिसे कुछ हंटर्स मिलके भी रोक नहीं पा रहे थे, उसी जगह जूही भी थी, जो उस डेंजन वाला इंसिडेंट को याद करके अपना पावर्स ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। तब जेनबू अपना टूटा हुआ तलवार उस मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है और जेनबू के एक ही बार से मॉन्स्टर ढेर हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनबू का शरीर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। जेनबू का हाथ किसी जिम वाला बंदे के जैसा दिख रहा था। और इसी के साथ ही सोलो लेवलिंग एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। दोस्तों ये एपिसोड तो मुझे बहुत ही ज्यादा कमाल का लगा। आपको ये एपिसोड कैसा लगा वो कमेंट में जरूर से बताना। साथ ही अगर आप लोग ऐसे ही सोलो लेवलिंग और एनिमे रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दो। और दोस्तों स्क्रीन में सोलो लेवलिंग के प्लेलिस्ट के साथ कुछ कमाल के वीडियोस आ रहे हैं, आप उनमें से किसी एक को क्लिक करके देख सकते हो। तो मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे ही और एक मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।